जिस जगह पे कभी बारिश होती ही नहीं है, जैसलमेर और कोटा जैसे स्थानों पे। तो हमको एक बात बताओ, उस जगह को हरा भरा करने के लिए क्या हरा भरा जंगलों को काटना जरूरी है? जो पहले से जंगल है, करोड़ों सालों से जो जंगल फैला हुआ है, उस जंगल को काटना सही है? राजस्थान में आपको बिजली बनाना है तो राजस्थान में तो ऑलरेडी गर्मी है ना, 50 डिग्री सेल्सियस से प्लस गर्मी देता है, सौर ऊर्जा क्यों नहीं लगा सकते हैं वहां पे? अब पेड़ काट के सरकार का क्या इरादा है 50 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना? लोग 45 डिग्री का सेल्सियस में जिंदा नहीं रह सकते, 70 डिग्री का सेल्सियस में कहां से जिंदा रहेंगे? तो मेरा एक ही मोटिव है कि आप घर जाओ, घर में जाके अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे इस बारे में जिक्र करो कि पापा मम्मी हसदे जंगल कट रहा है, ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, हम लोगों को बचाना होगा। मैं भी एक पढ़ने लिखने वाला छात्र हूं, 12 जनवरी से अभी तक मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठा हूं, बस इस हसदेव जंगल के चक्कर में। सर पे एग्जाम है 20 तारीख से, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूं इस हसदेव जंगल के कारण। रीजन क्या है? पढ़ लिख के क्या करेंगे जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो? कोरोना में एक बहुत अच्छा चित्र फेमस हुआ था, एक गाड़ी में पेड़ का लकड़ी का जो तना होता है उसको काट के ले जाया जा रहा है, एक गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहा है, उसका मतलब समझ रहे हो? इतिहास में जितना पेड़ काटे हो काट लिए, अब हमारा बारी है। ऑक्सीजन नहीं है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर आपको खरीदना होगा। जो चीज फ्री में मिल रहा है वो चीज आपको पैसों में खरीदने का ज्यादा शौक है, इसलिए सरकार पैसों से खरीदवा रही है ऑक्सीजन, और फ्री का ऑक्सीजन किसी को नहीं चाहिए। ऑक्सीजन का कमी हो रहा है इसलिए नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ रहा है ऑक्सीजन वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है। रीजन क्या है? शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आप सब घर में जाके ये बात को बोलिए कि हसदेव जंगल कट रहा है, हसदेव जंगल को बचाना है। धनबाद का एरिया जो है कि दिन रात धनबाद जलते रहता है, दिन रात फुसरो जलते रहता है, एक दिन हसदेव का भी वही हाल है, एक दिन पूरा झारखंड वही जल जाएगा, जलते जलते झारखंड बर्बाद हो जाएगा। झारखंड जंगल के नाम से जाना जाता है, झारखंड मतलब झाड़ियों का राज्य, झारखंड में जंगल ही नहीं रहेगा तो झारखंड का क्या मतलब, छत्तीसगढ़ में जंगल ही नहीं रहेगा छत्तीसगढ़ का क्या मतलब है? देश का विकास क्या कोयला माइनिंग से हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया जा सकता है। हम लोग सब 2018 का पासिंग आउट है, 2017, 2019, 2020 जहां तक हो सकता है हम लोग एक साथ है, और आप लोगों से बस एक साथ चाहिए कि हम लोग पूरा पिछड़ी एरिया में एक छोटा सा रैली निकाल सकते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। हमारे साथ हमारे गुरुजन भी रहेंगे, हम लोग एक छोटा सा रैली निकाल सकते हैं कि आने वाला समय में जो छोटा छोटा बच्चा जन्म लेगा ना उसको ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले। इमेजिन करो उस दिन को जब छोटा बच्चा जन्म लिया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलना शुरू हो गया तो उसका क्या हाल होगा, नाइट्रोजन मिलना शुरू हो गया तो उसका क्या हाल होगा, जिंदगी तबाह हो जाएगा। बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, प्लीज के पीछे शांत रहेंगे, इस चीज को सीरियसली लीजिएगा कि ऑक्सीजन के बिना जीवन असंभव है। ऑक्सीजन के बिना जीवन असंभव है। एक छोटा सा क्वेश्चन करें, किसी का धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है, किसी का धर्म का आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हुआ था ना 22 जनवरी को, रैली पूरा देश में निकला था। छत्तीसगढ़ का जंगल कटाई हो रहा है, पूरा देश में रैली निकाल सकते हैं? तो फिर ये क्वेश्चन क्यों उठता है कि छत्तीसगढ़ का जंगल है, हम लोग क्यों रैली निकाले? उस समय क्यों नहीं क्वेश्चन किया गया था राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हो रहा है, यहां रैली क्यों निकाले? ये क्वेश्चन किया गया था क्या? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है? तो घर पे जाके सबको जागरूक कीजिए कि ऑक्सीजन के लिए जंगल को बचाना जरूरी है, ठीक है? धन्यवाद। और आप लोग का आज फेयरवेल है शायद, सभी को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं हम, और हम भी एक स्कूल में एक शिक्षक हैं, हम भी एक स्कूल में पढ़ाते हैं,
आप ही लोग जितना बड़ा बड़ा छात्र का छात्राओं को पढ़ाते हैं, टेंथ तक के बच्चों को हम भी पढ़ाते हैं, इनको पहचान रहे, ये भी पढ़ाते हैं टेंथ तक के बच्चों को। तो आप लोग भी इस मुकाम पे पहुंचिए कि कभी भी आपके गुरुजन आपको देखे तो गर्व हो, गर्व से सीना चौड़ा हो कि ये हमारे छात्र हैं, ये हमारा नाम फैला रहे हैं, आदर्श हाई स्कूल का नाम फैला रहे हैं। इस मुकाम पे पहुंच जाइएगा, टीचर आपके ऊपर गर्व हो। आपको पता है जब मैं सिक्स क्लास में था, एक भी जो शुक्रवार को जो आप लोग का एक्टिविटी होता है, एक भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। यही प्रकाश सर, यही संजय सर और नमिता मैम, उस समय एक मिस होती थी हम लोग की, श्वेता मिस, फोर्स करती थी कि आप लोग को पार्टिसिपेट करना है,